हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खुदा का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, हम जा रहे हैं जुरियल की बर्थडे पे। आज उसकी बर्थडे है। ये व्लॉग तो मैंने कुछ दिन पहले ही डाल देना था, लेकिन बस कुछ मसरूफ़े की वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, जो कि मैं आज कर रही हूँ। तो बस हम लोग जा रहे हैं, और सिर्फ क्योंकि है मेरे हस्बैंड की छुट्टी तो आज थी नहीं, तो वो जॉब से आए थे। मैं और मोज़ेस बिल्कुल रेडी थे, वो आके वो जल्दी से फ़्रेश हुए हैं, तो बस हम वहाँ जा रहे हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में भाई और बाजी ने जो है उसका अरेंजमेंट किया है, तो वहाँ पे और भी काफ़ी सारे मेहमान आए होंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत आज मौसम था, बहुत खूबसूरत व्यू था, तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करते हूँ। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं अब। तो जी जनाब, हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मेहमान, बल्कि तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। सिर्फ हमारा वेट हो रहा था, और एक उसकी बड़ी सिस्टर है, वो नहीं अभी तक आई थी, उनका वेट हो रहा था। तो जी, जूरियल बैठी हुई है केक कट करने के लिए, भाई भी साथ बैठे हैं, और मोज़ेस बड़ा एक्साइटेड हो रहा है। ये देखिए, मोज़ेस ऐसी चीज़ें बड़ी इंजॉय करता है, उसको ये जिसकी भी बर्थडे हो, मोज़ेस को ये लगता है मेरी बर्थडे है। तो वो कहता नहीं मम्मा, मेरी बर्थडे है, मेरी बर्थडे है। तो बस अभी सारे यहाँ पे सब आ गए थे, बड़ा इन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों ने तो जो इन्जॉय किया ही किया, हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। जब अपने हम ऐसे सब इकट्ठे होते हैं परदेश में, तो ये आप लोग यकीन करें बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही यानी कि हम लोग फ्रेश हो जाते हैं एक तरह से, एक दूसरे से मिल के ना। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था। तो बस अभी केक कट करने लगी है जूरियल, और ये बाजी खड़ी हुई हैं, ये मतलब फ्रैंकफर्ट से आई हैं ये, और बहुत सारे मेहमान आए थे, जर्मन भी बहुत सारी फैमिलियाँ थीं, और अपने एशियन लोग भी थे। तो ये जनाब रेस्टोरेंट है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो बूफे लगा हुआ है, लेकिन खाना तो अभी स्टार्ट नहीं किया था हम लोगों ने, अभी तो वो बूफे लगा रहे हैं, अभी लगा नहीं था खाना। तो बस जी, केक कट जो है वो हो चुका है, तो बस अभी सबसे पहले तो केक सर्व करेंगे, तो उसके बाद जो है फिर खाना वगैरह होना था। तो भाई यहाँ पर केक सबको खिला रहे हैं, उन्होंने मोज़ेस को भी खिलाया, जूरियल को तो ज़ाहिर बात उन्होंने खिलाना ही था। फिर बाजी बैठी हुई थी, उसकी बड़ी सिस्टर भी साथ बैठी हुई थी। हाँ, उसकी जूरियल की छोटी बहन जो है ईज़ा, वो नहीं थी यहाँ पे। बस जब अपनी गैदरिंग का कोई बच्चा मिल जाता है ना, जब अपनी जितनी कोई होती है, तो वो बस अपनी दोस्त के साथ लगी हुई थी, सही इंजॉय करने, अल्लाह उल्ला करने बस। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, हमने बहुत इंजॉय किया था। मैं सोच रही थी ये व्लॉग आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, लेकिन बस मैंने अपनी तैयारी वाला व्लॉग तो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं क्या पहन के जा रही हूँ, मोज़ेस क्या पहन के जा रहा है। तो लेकिन वो मैं जो है उसके बाद मैंने ये व्लॉग डालना था, लेकिन मैं किसी वजह से मैं डाल नहीं पाई, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ बाजी जितने भी हम लोग सब खड़े हुए थे, बाजी सबको केक खिला रही थी, ऐसे भी वैसे भी हमने खाया था, लेकिन ऐसे वो अपने हाथों से भी हमें खिला रही थी और खुश हो रहे थे, बहुत मज़ा आया था, बहुत ही हम सब एक्साइटेड थे। और यहाँ पर सादिया जो है, मैंने उसे कहा कि आप खड़े हो, मैं आपका ड्रेस जो है मैं वीडियो में दिखाती हूँ। तो ज़रे मैं फेज़ नहीं उसका मैंने लिया, लेकिन वैसे ही आप लोगों के साथ उसका ड्रेस शेयर कर रही हूँ, अच्छा लग रहा था। बाजी का ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था, सब भी बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ मैं और मोज़ेस जो हैं अब उसे गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो बड़ा खुश हो रहा है, उसको कह रहा है कि दीदी आई लव यू। तो मैं हंस रही थी, भाई भी हंस रहे थे, तो उसका बहुत ज़्यादा प्यार है अपनी दीदी के साथ। तो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है ना खुश हो रहे थे देख देख के। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको मोज़ेस की आवाज़ बीच में आई होगी। तो यहाँ मोज़ेस ने अपनी दीदी का बलून जो है 18 साल वाला जो बलून है वो पकड़ लिया था, वो किसी को दे ही नहीं रहा था। एक और वहाँ पे छोटी सी बच्ची थी, लेकिन इसने कहा कि नहीं भाई, इसे तो मैं ही पकड़ूंगा, मैं ही खेलूँगा। अभी आप लोग मोज़ेस का डांस इन्जॉय करें। हाँ जी, मोज़ेस का डांस आप लोगों ने देखा, और ये छोटी सी लड़की थी, ये भी बहुत ही प्यारा छोटी सी बेबी ने भी डांस किया था। सब बच्चे जो है ना सही इंजॉय कर रहे थे, कुछ बच्चे बड़े थे वो अपना इंजॉय कर रहे थे, मोज़ेस अब थक गया है, तो बस अब सब घर वापस जा रहे हैं। खाना भी बहुत अच्छा था, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस हम घर की तरफ जा रहे हैं,
और टाइम काफ़ी हो गया था, घर बाहर निकलते निकलते वही 12 बज गए थे, 12:30। तो बस मोजिस तो जैसे ही गाड़ी में बैठा था 5-6 मिनट बाद ही मोजिस को होश ही नहीं थी, वो कहाँ है, वो सो गया था, जरिए थक इतना ज़्यादा गया था। और मैंने सोचा कि क्योंकि अभी हमेशा रात के टाइम हम कहीं से आ रहे होते हैं तो वो हमेशा जो है वो विलेज वगैरह ही होते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब कभी मैंने इस टाइम का कभी व्लॉग में कभी ये चीज़ मैंने व्यू डाला ही नहीं रात का। तो अब मेन शहर में हम लोग थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोशनी थी तो लाइटें थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड जो है ना यहीं से मैं करूँगी। यहाँ पे कोई एक पार्क भी था जिस शहर में हम लोग गए थे, तो बस उसके पास ही हम लोग गुजर रहे थे जहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा ये भी आपको नज़र आ रहा है अच्छी खासी, यानी कि लोग तो वहाँ नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, रात के 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक ये चीज़ें खुली नहीं होती हैं यहाँ पे। तो जी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, मोजिस का डांस भी हम सब ने तो इनका डांस बड़ा एंजॉय किया, सब इतना ज़्यादा हंसे खुश हो रहे थे सारे इसको देख देख के। बच्चे कहाँ से सीखते हैं, बस बच्चे ऐसे ही टीवी से यूट्यूब वगैरह से बच्चे ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं। तो बस जी जनाब हमें दें अभी इजाज़त, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे अच्छी खासी नींद आ रही थी। तो चलिए जी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलें, खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। खुदा हाफिज़।